कल 4king के स्क्वाड वहां पे आई जरूर थी बट व्हाट क्या बूट कैंप पे जा रहे हैं स्पार्की आई गेस नहीं उन्होंने चेंज कर लिया है और वो अब दूसरे साइड पे निकल जाएंगे बट सोल की स्क्वाड भी ऊपर के साइड पे उड़ती हुई नजर आई थी उन्होंने भी अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज किया था देखते हैं किधर के साइड पे वो लोग जा सकते हैं यस उनका एक नया ड्रॉप देखने को मिल सकता है सिनॉक में

किया एंड भाई जो उल्टा आदित्य बनाकाउट हो सकते थे भाई उल्टा या हो गया यस बिल्कुल अब वार के जो में वो रश कर सकते हैं या फिर पीछे फॉल बैक कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा मुझे लगता है यहाँ पे रश करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पता है उनको कि किसी पे आज गन नहीं थी बट ब्लेजी को ऑलरेडी गन मिल चुके हैं उनके पास हेलमेट नहीं है वैसे तो उनके पास भी आपको हेलमेट वेस देखने को मिल जाएगीवो यहाँ पे बटवाई पर एक बार फिर से डाउन होते हुए बहुत ज्यादा कम एचपी भी बचे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है सोल के में बट वहां पे ब्लेजी भी हेड शॉर्ट के दौरान डाउन होते हुए एंटो के नाम ये दो के आने वाले ईवो देखा Soul, दो में और बचे हुए रेगलेटिव एंड मॉर्टल दो बचे हैं क्लोज आने की कोशिश उन्होंने की तो सही बट अब टू तो वी थ्री का सिचुएशन यहाँ पे होता हुआ क्या क्लच कर सकते हैं अपनी टीम के लिए या फिर नहीं देखना पड़ेगा मॉर्टल के पास वेस्ट है हेलमेट नहीं है थे बट इस मैच में उन्होंने वापसी किया तो जरूर है टू बी थ्री का सिचुएशन होने वाला है टोज ने नेट ऑलरेडी का रखा बट रगल टोज गेल देखो लेवल थ्री का पूरा गेल लगभग उनके पास है बट तो तो वो रेट हो गया रगल टोज डाउन कर देगा फ्रेंड पाए तो जो वो डाउन हो गया एक तो अयुक तो भी साथ पाएंगे उसी था तो सही बट नहीं वो का एक बढ़िया शॉट आता हुआ रगल टोज को डाउन किया मॉटल भी डाउन किए गए और इसी के साथ सोल के स्क्वाड सबसे पहले इस मैच से विदा लेते हुए ईवो के पास भी दो किल एंटो के पास भी दो किल देखने को मिलेंगे Yes, and, uh, इसी के साथ अगर बात करो एक लेके तो गए हैं बट वही अगर थोड़ा जल्दी आ जाते तो सीनरी में कुछ चेंज हो सकता है ब्लेजी के ऊपर दो बंदे चल रहे थे एंड वाइपर के पास कुछ

यस yes, सभी बाकी सारे प्लेयर्स की यहाँ पे बात करें तो वो भी यहाँ से रोटेट करेंगे थोड़ा सा रिजॉर्ट ग्रुप ही है एंड हमने देखा था कि फोरकिंग का एक अलग ड्रॉप था आज एक अलग ड्रॉप देखने को मिला काफी ज्यादा रैंडम ड्रॉप लोकेशन यहाँ पे फोरकिंग के मेंबर्स के द्वारा आपको देखने को मिलेगा ये बात आपने एकदम सही किया है फोकिंग के गब्बर को अगर बात करो उसके पास हेलमेट नहीं है जॉट की बात करो वो पीछे है वो अपने टीममेट के पास आ रहे हैं बट ये गब्बर के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हो चुका है एंड ये अभी मोमेंट में कोशिश करेंगे स्पॉट हो चुका है टीम टीम से से ऊपर ऊपर भी पूछ कर सकता है क्लोक के पास फर्स्ट एड नहीं है बट सामने एक फर्स्ट एड गिरा हुआ है क्या वो फर्स्ट एड लेने जाएंगे बट गब्बर राइट साइड से एक फ्लैंक करने की कोशिश एक प्री कोकंडेड फेंका गया बट बच जाएंगे बट गब्बर को राइट साइड से आई थिंक एडमिट राइट पे क्यों नहीं है अभी तक वो राइट पे आकर इजिली डैमेज

नंबर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है आप लोगों ने अच्छे तरीके से स्पैम किया स्पैम का रिजल्ट भी आई गेस आ चुका है विनर के जो नाम है वो भी हमारे पास आ चुके हैं जल्दी हम बताएंगे बट स्पैम के साथ साथ लाइक like, सब्सक्राइब करना मत भूलना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने अभी तक तो लाइक like, सब्सक्राइब नहीं किया था तो फटाफट से हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ये है बन गैलेक्सी रेजर सेल्स की अल्ट्रॉन की यहाँ अगर बात किया जाए लेवल थ्री गियर फुल बैकटअप है एंड ये बहुत ज्यादा हेल्प करने का इसकी इस फाइट के अंदर इसके मैच के अंदर एंड यहाँ पर सेल्स रॉक्स की अगर बात करो उसके पास लेवल उनका हेलमेट है लेवल टू का बट थी फर्स्ट है थी फर्स्ट भाई बहुत ज्यादा होता है सैनो के अंदर यस yes, बिल्कुल और वहाँ पे हमने देखा था रगल टू जिस तरीके से आए थे उनके पास भी आम, लेवल थ्री के गियर्स लगभग थे हेलमेट लेवल टू का था शायद आई गेस यहाँ सेल्स के जो मेंबर्स इनको भी अच्छी लूट मिल जाएगी पांच मिनट का यहाँ पे गेम प्ले खत्म हो चुका है लगभग छह मिनट का उसके बाद जो अपना, जो अपना जोन था वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है कल हमने देखा था दस मिनट के बाद अपना जो पहला जोन था वो स्टार्ट मतलब लाइक खत्म हुआ था पूरी तरीके से आज थोड़ा सा जल्दी मुझे लग रहा है ऐसा कि सैन का मैच यहाँ पे चल रहा है बट एक ड्रॉप भी आ चुका है और लाइक ग्यारह मिनट के नजदीक हुआ था मेजे Yes. हमने में में किया क्या था था। हम गेस MK. कर सकते थे। But MK 14 बिल्कुल। की की बात करें तो सीजी और और वलीव इस में आएंगे खेलते हुए पिछला में उतना अच्छा नहीं गया था। उम्मीद हमने यही किया था कि कल जिस तरीके से उन्होंने मेरम का मैच खेला था उस तरीके से आज वो खेलेंगे बट वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है अपने करेंगे बट जोकर जो नए एडिशन आपको देखने को मिलेंगे

बाकी अभी जो करने आप लगा रखा है हाँ अभी जो ने लगा रखा है WSS

ओके okay, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं बट वहाँ पे बिलीव को आई गेस डाउन कर दिया गया है एंड लेक्सम की जो स्क्वाड है

कि वी हेट रेड बट ही इज माय फ्रेंड एंड हम उसको बहुत, बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं वो भी हमको बहुत अच्छी से जानते हैं हम लोग बहुत ज्यादा बातचीत भी करते रहते हैं कि गेम को रिलेटेड की क्या-क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या हो रहा है तो वही चीज के कारण मैंने यहाँ पर बोला क्योंकि ये चीज एकदम उसको भी पता है कि यहां पर उसने बहुत गंदा स्प्रे किया होगा अभी चैट के अकॉर्डिंग जो आपने पूछा था WSS का फुल फॉर्म जोकर से जो रिलेटेड रहता है वाई सो सीरियस तो चैट हमारी कह रही है क्योंकि जोकर से रिलेटेड भी वो चीज है, है बाकी गैलेक्सी रिसेस की बात की जाए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले दस मिनट का गेम पे खत्म हुआ लगभग बाईस तेईस मिनट ही चलने वाले बट हाइडर ऊपर के साइड पे चार के चार की बात करें पिछले मैच में लगातार उन्होंने दो खिल्स अपने जो निकाले थे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसीलिए वो पॉइंट में ऊपर आए रॉक्स ने ऑलरेडी स्पॉट कर रखा है नेट करने की कोशिश कर रहे थे बट इस वक्त जो उनके प्लेयर से काफी ज्यादा दूर है क्लोज आने का इंतजार करेंगे उसके बाद नेट स्मोक करके रश करने की कोशिश की जाएगी एक नॉक पुश

अगर मैं नाम गलत पढ़ रहा हूं तो सो मुझे एक बार करेक्ट कर देना बट ये दो विनर हमारे इस मैच के होने वाले हैं अभी भी हमारे पास दो और विनर डिसाइड करे जाएंगे बट वो फाइनल मैच में विनर डिसाइड करे जाएंगे तो मैचेस देखते रहो लाइक सब्सक्राइब करते रहो एंड अगला जो विनर होने वाला है वो नेक्स्ट मैच से नेक्स्ट मैच के स्टार्ट होने से पहले ही हम लोग अनाउंस करेंगे तो आप वो सारी चीजें करना है एंड आराम से आप 300 जो गूगल प्ले का कार्ड है वो आप देख सकते हो बट फिलहाल वापस से मैच में आते हैं थर्टी थ्री द नेक्स्ट जोन पेरामेड का यहाँ पे गेम प्ले खत्म होगा फोर्टी टू मीटर दूर इजिली जोन के अंदर निकल जाएंगे तीन मेंबर बचे हुए एंड जोन क्वेरी के साइड पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्टिम स्पोर्ट्स भी आजकल अच्छा गेम प्ले दिखा रही है डाक की बात करें उनको यहाँ पे डाउन किया गया

इसके बाद फाइनल मैच होने वाला है इस टूर्नामेंट का अगर आपको ऊपर जाना है तो इस मैच में भी आपको कम से कम सेकंड या थर्ड अच्छे खासे किल्स के, के साथ निकालने पड़ेंगे बट सूर्य का एक अच्छा राइट फ्लैंक आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा गैलेक्सी रेसेस को मेंबर्स को घेरने की कोशिश की जा रही दो मेंबर्स तीन मेंबर्स ऑलरेडी दूसरे साइड से लेफ्ट फ्लैंक उन्होंने किया है सूर्य एक अकेले प्लेयर है जो दूसरे साइड से फ्लैंक कर रहे हैं केप के काफी ज्यादा क्लोज आपको ये प्लेयर्स देखने को मिलेंगे बट सेल्स गैलेक्सी रेसेस की जो स्कोर है अभी भी नीचे साइड से वो रोटेट करें क्योंकि जोन आने वाला है और जोन Galaxy races के 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 काफी ज़्यादा है। जो हैं, हैं दूर जा चुके हैं जोन से। अभी इनको अंदर निकलना पड़ेगा। बूस्टर्स नहीं है सूर्य के पास बूस्टर्स ले सकते हैं बाकी सारी टीम से हाई है, जरूर है गैलेक्सी रेसेस भी जोन के अंदर नहीं है और बाकी टीम्स की बात करें वो भी जोन के अंदर बाहर ही दिखेगी फाइट है वो चल चुकी है एकदम करते फिनाटिक का जोन प्रोडिक्शन बहुत बेहतरीन हो चुका है फाइनेस बॉस को यहाँ पर हिल करना चाहिए बट वो हिल नहीं कर रहा है उसके ऊपर एक नेड आया ड्रिफ्ट ओपी ने उसको एक बेहतरीन से नॉकआउट कर चुका है सोनिक एंड टीममेट भी सोनिक भी साथ ही साथ नॉकआउट हो चुका है जो हम बात कर रहे थे लाइनअप पे अगर अगर सबसे पहले अक्षय डाउन हो जाता है तो ये ताज के पत्र को तरफ बिखरते हुए हमको बहुत बार देखने को मिल चुका है इवो का एडिशन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड इसी के साथ युँ। 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 के पर हो जाएंगे फैंस थोड़ा दुखी होंगे क्योंकि टॉप पे थे एंड आज का ये परफॉर्मेंस के बाद वो लोग थोड़ा बहुत नीचे आ सकते की बात करें तो छह निकाले बट दोन की बात करें चार केल्स भी दो में चार के चारेबर्स को स्पॉट किया गया क्लोज ही जोन बना हुआ है और क्वेर के पास अच्छे होते हैं तो जो भी टीम बनी, बची हुई है, उनके पास अच्छा चांस होगा कि वो आराम से कोई कंपाउंड पकड़े और होल्ड करें बस थोड़ी देर के लिए जब तक जोन यहाँ से नहीं चलता तब तक तो होल्ड कर ही सकते क्योंकि इसके बाद पांचवा जोन आने करके निकले डैमेज दिया जरूर था नॉकआउट नहीं कर पाए एक अच्छा स्प्रे देखने को मिला बट लियो की बात करें अभी भी उनको स्पॉट किया गया फ्रैंकनी एक बार फिर से कोशिश की जोन इसके बाद बनेगा लेकिन बाहर जोन के अंदर निकलना पड़ेगा हाइड्रा के चार के चार में ज्यादा फाइट हाइड्रा लेते हुए नजर नहीं आतीन और साथ में गिली सूट जब ये बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है जब ऐसे तगड़ा प्लेयर के पास गिली सूट आ जाते हैं जो स्नैकिंग करने में भी माहिर है एंड गेम पे भी डैमेज दे सकता है उसके साथ एम टू फोन नाइन है जो क्लच करते हुए हमको बहुत बार देखा है जब वो टीम होतीस पे थे अभी माँ गेमिंग पे उसका एडिशन इंपॉर्टेंट हो चुका है सूर्य धीरे दी, दी, धीरे करके हाइड्राइडिश की तरफ रेंगते हुए आ रहा है नेट वगैरह की इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं वो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस गेम के अंदर जी ऐसा भी सूर्य बहुत ज्यादा क्लोज जा चुके हैं हाइड्रा के अपनी पोजीशन ना दे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इनके जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त इनसे काफी ज्यादा दूर है अगर वो इनके क्लोज आते हैं तो फिर फाइट लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा एक नेट से अगर नॉकआउट करवाए तो फिर और ज्यादा बेटर काफी ज्यादा क्लोज था हाइड्रा के मेंबर्स इनके बहुत ज्यादा पहले हमने देखा था बट पे अल्ट्रॉन की बात करें ड्रिफ्ट ड्रिफ्टोपी डाउन की बात करें वहां पे एमजे को डाउन कर चुके थे ट्रेड नॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्टियो स्पोर्ट्स के दो ही मेंबर है जो अंदर के साइड पे टीम के मेंबर्स उनको स्पॉट किया है सेल्स के दो मेंबर पे डाउन हो चुके हैं एमजे एंड अल्ट्रॉन दोनों डाउन हो चुके हैं ड्रिफ्टी की बात करिए वो

Yes, बहुत अच्छा एंगल थे मैं बोलूंगा क्योंकि अभी उनको भी जोन के अंदर दौड़ के जाना है एंड ये पोजीशन होता है नीचे वाला एरिया से अगर जाने की कोशिश के तो, तो सबका नजर वहीं पे रहता है ये बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकते बट फिनेटिक के अगर रेमेनिंग ऐसे ऐसे भी डैमेज पड़ेगा अगर नॉक हो जाते तो मुश्किल होगा बट नहीं वो जोन शुरू हो गया अभी इस पोजिशन में अगर नॉक होते तो कोई इसको बचाने नहीं आता उसका फर्स्ट एड लेके भाग जाता येस yes, बिल्कुल ये चीज आपने बहुत अच्छी की फर्स्ट एड लेकर भाग जाते हैं बट अभी इनको जोन के अंदर निकलना पड़ेगा फर्नाटी के पास ऑलरेडी आठ किल्स है और इनको जोन के अंदर निकलना है एटी थ्री मीटर दूर इनको जाना पड़ेगा बट ऊपर के साइड पे हाइड्रा के मेबर्स हैं जो बहुत ज्यादा टाइम से उसी कंपाउंड पे उन्होंने होल्ड करके बैठा और अभी तक केलफीड के उनके उनकेलफीड में उनके ज्यादा प्लेयर्स देखने को मिले नहीं उनके पास भी मुझे नहीं लगता कोई किल होने वाले क्रिस्पर की बात करें वहां पे विलीप को डाउन कर दिया नो बाइटी जोन के बाहर अकेले सर्वाइव करें अपनी टीम से बट ऊपर के साइड पे ऑप्टिमम के जो दो प्लेयर थे अभी भी एक प्लेयर वहां पर भी यहाँ पे स्पॉट किया गया उनको भी डाउन किया गया रौनक बेसोन के बाहर अभी भी वो स्पॉट करने की कोशिश कर रहा है रौनक अकेले बचे अपनी टीम से बट टीडी की जो एज पीरियड काफी ज्यादा कम है बट फ्रैटिक पाए तो उसका वो जो किल था हाइड्रो ने अपने नाम क...

पंद्रह मेंबर इस वक्त जिंदा है चिकन डिनर कौन सी टीम निकाल के जाएगी इस बाकी बट रोनक प्लेजोन के बाहर ही खत्म होना पसंद करेंगे यस उन्होंने किल दूसरों को नहीं दिया

पे लेके आए हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है गेम के अंदर यस yes, उतनी ज्यादा ज्यादा दूर वो लोग इस बैटल कर रहे हैं आप देखो उनको नू वाइट को वो कितना ज्यादा इस वक्त दूर थे को और सीजी भी कंफर्म हो जाएंगे चार टीमें यहाँ पे बची हुई स्क्वाड का एक फाइनली बढ़िया कमबैक देखने को मिलता हुआ चार किल्स उन्होंने निकाले हैं। और इस वक्त जोन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा हाइड्रा जोन के अंदर है। बट सारंग की बात करें वहां इनिशियटिव स्पोर्ट के बाद एक डिसएडवांटेज एक आखिरी प्लेयर आई है उनका जिंदा है बाकी के प्लेयर्स उनके डाउन माकस गेमिंग जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि उनको इस मैच में डिनर या फिर थर्ड फोर्थ पोजिशन लेके आना पड़ेगा अच्छे खासे किल के साथ लेके आए तो फिर लीडर बोर्ड में थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे बट जॉड अभी भी स्पॉट करने की कोशिश करे तीन मेंबर्स में जिंदा एंथस यहां पे खत्म हो चुके हैं बाकी प्लेयर्स की बात की जाए हाइड्रा के पास एक हाई रेंज एडवांटेज जो जोन शिफ्ट हुआ है हाइड्रा से दूर बट फोर के पास एक रेज प्लस जोन का एडवांटेज

कोई चांस नहीं था कोई चांस नहीं था ओपन एरिया ये चीज ये चीज मुझे समझ नहीं आया कि वो एक बार बाहर गए एक बार वापस से अंदर के साइड आए अगर आप नॉक हो तो वहां पे अपनी टीम को कवर दे सकते हो लाइक थोड़ी देर के लिए जो बुलेट्स हैं आपके टीममेट को हिट करेगा आपको नहीं हिट करेगा बट यहाँ पे सूर्य की बात करें वो भी स्पॉटेट थे हाइड्रो के द्वारा वो भी डाउन किए गए सारंग के द्वारा सूर्य डाउन किए गए के साथ पूरी स्कोर जो थी एलिमिनेट होगी हाइड्रा के पास अच्छे किल्स इस वक्त होने चाहिए लास्ट मोमेंट पे उन्होंने सारंग के पास दो किल आपको देखने को मिलेंगे बट इस वक्त हाइड्रा जोन के बाहर है चार में जिंदा है तो सही बट जोन के बाहर

ने कुछ कर पर क्रूसी फायर को ऊपर हील बैटल करना चाहिए क्रूसी के साउंड यहां पर मिल चुका है प्लास्टिक ब्लास्ट कोच के उसका थ्री कोचिंग बट गुरु ओपी के हाथ पे वो हो चुका है खत्म एंड इसी के साथ विनर विनर चिकन डिनर हमारे फोर किंग स्क्वाड को मिल